भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को खुद कहा है कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, मतलब ना तो मेरा जन्म होता है ना ही मुझे कोई विनाश कर सकता है। मतलब उन्होंने खुद कहा है कि भगवान है जो एक एनर्जी के रूप में है, एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन पूरी दुनिया कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाती है, जन्माष्टमी मनाती है, बड़े धूमधाम से मनाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, तो आप उनके द्वारा कही गई गीता का एक एक श्लोक पढ़िए, समझिए और दूसरों को समझाइए। मानव जाति के इतिहास में जो अभी तक जो ज्ञान दिया गया है, उसका अगर मैं बोलूं कि टॉप पर जो ज्ञान है वो भगवत गीता में है। अगर आप खुद को समझना चाहते हैं, इस प्रकृति को समझना चाहते हैं, संसार को समझना चाहते हैं, अपने कर्म को समझना चाहते हैं, अपने स्वभाव को समझना चाहते हैं, तो भगवत गीता जरूर पढ़िए, तभी आप सही मायनों में भगवान कृष्ण के जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। सिर्फ मंदिर में जाकर आरती करने से ही आपके जो कार्य हैं रुके हुए या आप जो भी जीवन में बनना चाहते हैं वो पूरे नहीं होंगे। भगवत गीता में जो भी बातें भगवान कृष्ण ने कही हैं अर्जुन को, वो एक रहस्यमय ग्रंथ बोला गया है गीता को। आप उसके एक एक श्लोक को समझिए, पढ़िए, दूसरों को सिखाइए, और जो गुणी लोग हैं जिनको भगवत गीता पूरी तरह समझ में आती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइंस है जो कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले कहा था। कृष्ण भविष्य हैं, आने वाली जनरेशन को कृष्ण को पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें एक एक इसके एक एक श्लोक में ऐसा रहस्य छुपा हुआ है मानव जाति का, मानव कर्म का, धर्म का, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए अगर वाकई आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं तो आज से ही गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए कहा गया एक साइकोलॉजिकल ग्रंथ है। थैंक यू।